हेलो गाइस, अगर आप भी यूपीएससी एसएससी या एसएससी जीडी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 4 नवंबर के करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपरों में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? दोस्तों, ये जीता है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 24वें संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। और ये है इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर। आप यहाँ से इसे अपनी कॉपी या फिर रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू को चुना गया है। बेंजामिन नेतन्याहू 2022 में इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ये, और इसका पूरा आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की प्रमुख एडटेक वाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है लियोनी मेसी को। हाल ही में लियोनी मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लियोनी मेसी, और इसका पूरा आंसर है ये, एयरटेक प्रमुख वाइजू ने फुटबॉल स्टार लियोनी मेसी को अपनी सामाजिक शाखा एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूरी याद करके जाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और इसका राइट आंसर है 2 नवंबर को। सॉरी गाइस, 2 नवंबर को मनाया जाता है, और इसका पूरा आंसर है ये, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो देखते दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो दोस्तों, यह मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो दोस्तों, यह भारत की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोल रिफाइनरी परियोजना के लिए प्राधिकरण पत्र प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों, और आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखें, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटर, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यासी घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में एक फुटबॉलर है जिसने खेल से संन्यास की घोषणा की है, और वो है, हाँ, जे आर पिक ने हाल ही में फुटबॉल खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये है इसका पूरा आंसर। स्पेन के महान फुटबॉलर जे आर पिक ने 3 नवंबर 2022 को बार्सिलोना के अगले लॉ लीग मैच के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, और जिसके आंसर सही होंगे उसे आप इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हमारा चैनल का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें,
और डेली क्विज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।